धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे को मांग संख्या 26, 32 और 56 युवा मामले, महिला एवं बाल विकास एवं उद्योग पे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी, युवा खेल मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा बजट दिया कि पूर्व जो 475 करोड़ का बजट था उसको बढ़ा करके और 950 करोड़ का बजट कर दिया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत जैसे धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सभापति महोदय, युवाओं के बारे में ऊर्जावान बनाए रखने के साथ साथ चरित्र निर्माण में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानसिक, सामाजिक और शारीरिक विकास के लिए, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और सकारात्मक सोच का विकास करने हेतु खेल जीवन में अत्यावश्यक है। खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। सभापति महोदय, मेरी विधानसभा श्री डूंगरगढ़ कस्बा 1 लाख की आबादी है। कस्बा में आसपास लगभग 100 से अधिक गांव लगते हैं जो कस्बा मुख्य केंद्र है। यहाँ से प्रत्येक वर्ष सैकड़ों खिलाड़ी विभिन्न खेलों से राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होते हैं। क्षेत्र से बहुत से युवा खेलों के माध्यम से भारतीय सेना, पुलिस विभाग सहित विभिन्न सरकारी नौकरियों में चयनित भी हुए हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र की बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इतना विकसित क्षेत्र होने के बावजूद आज श्री डूंगरगढ़ कस्बे में एक भी खेल स्टेडियम की सुविधा नहीं है। खेल स्टेडियम व रनिंग ट्रैक के अभाव में बहुत से प्रभावित प्रतिभावान खिलाड़ियों की बाहर जाना पड़ता है तथा बहुत से प्रतिभावान होने के बावजूद अपने लक्ष्य से वंचित रह जाता है। तो मेरा सभापति महोदय आपके माध्यम से पुरजोर मांग है करता हूँ कि श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सुविधाओं युक्त मल्टीपर्पज स्पोर्ट स्टेडियम खोला जाए ताकि क्षेत्र की प्रतिभावान खिलाड़ियों को खेल संबंधित क्रिकेट, सॉफ्टबॉल, फुटबॉल आदि खेलों को खेलने की सुविधा उपलब्ध हो सके। सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में युवाओं की है जो मेरे क्षेत्र की बड़ी पूंजी है, लेकिन इन युवाओं को कल्याण के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने सिर्फ झूठे वादे किए और उनको आश्वासन दिया इनके कल्याण के लिए कोई कदम नहीं उठाए। यहाँ तक कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में जिस प्रकार से बेरोजगारों को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी उसका परिणाम क्षेत्र के युवाओं को भी भुगतना पड़ा। आज भी युवा मिलकर पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किस प्रकार बेरोजगारों की भत्ते के नाम पर गुमराह किया गया, ऐसे ठगे से महसूस करने वाले सैकड़ों युवा गाँव में प्रतिदिन पिछली सरकार को कोसते हैं। सभापति महोदय, देश भर में जिस प्रकार अग्निवीर को लेकर युवाओं में को गुमराह करने का काम किया वो उनकी हताशा और युवाओं को गुमराह करने का प्रयास को सबने देखा है। सच्चाई सबके सामने लाने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि सरकार का उद्देश्य दुर्गामी है। देश के प्रत्येक युवा सेना के अनुशासन को जानकर विभिन्न क्षेत्रों में सेवा कर एक अनुशासित देश का निर्माण कर सके। जब देश का युवा अनुशासित हो जाएगा तो देश अपने आप समृद्ध के रास्ते पर चल पड़ेगा। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जब खड़ा हो जाएगा तो हमारे अनुशासित युवाओं को भी उसमें भागीदारी महत्वपूर्ण रहेगी। सभापति महोदय, प्रदेश भर के स्कूल महाविद्यालयों में अग्निवीर को लेकर भ्रांति दूर करने के लिए काउंसलिंग कार्यालय खोले जाने चाहिए। और मेरे से पूर्व अभी हमारे गुरुवीर सिंह जी जो थे उन्होंने बताया था नशे की हालत, तो आज का युवा वर्ग काफ़ी संख्या में नशे की तरफ आकर्षित हो रहा है, उसको नशे से मुक्ति दिलाने का प्रयास भी किया जाना चाहिए। सभापति महोदय, हमारे महापुरुष के जीवन दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि श्री राम, श्री कृष्ण, अर्जुन, विवेकानंद आदि सभी किसी न किसी प्रकार के शारीरिक विद्या एवं कौशल के विशेषज्ञ थे। सभापति महोदय, प्राचीन भारत में खेलों की समृद्ध परंपरा रही है। हमारे जो पुराने सांस्कृतिक खेल रहे वो तो प्राय प्राय लुप्त हो गए, जैसे गुल्ली डंडा, पलक झुकी, चौपड़, पच्चीसी, कलानी, बेलानी, काला हाथी, सफेद हाथी, कांचा आदि अनेक प्रकार के प्राचीन भारतीय खेल अब प्राय लुप्त हो गए हैं। और कुश्ती तथा पहलवानी है तो सबसे पुराने खेल है, इनका इतिहास तो 4000 वर्ष पूर्व का है।
सभापति महोदय, समय का पहिया घूमता रहा, आज क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, मुक्केबाजी, मोटर स्पोर्ट्स, बास्केटबॉल, फुटबॉल जैसे खेल लोकप्रिय होते गए और क्रिकेट तो सर्वाधिक लोकप्रिय हो गया। सभापति महोदय, राजस्थान में भी पूर्व में अनेकानेक प्रतिभाएं रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम पदक दिलाने वाले राजस्थान के महाराजा श्री कर्ण सिंह जी, जो हमारे बीकानेर के महाराजा थे, तो उन्होंने सबसे पहले मेडल जीता था, तो आज हम क्यों पिछड़ रहे हैं। सभापति महोदय, राजस्थान में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, आवश्यकता है उन्हें ढूंढने, सवारने और निखारने की। यदि युवा खिलाड़ियों को पर्याप्त सुविधा और प्रशिक्षण मिलता है तो हमारे राज्य के खिलाड़ी पूर्व की भांति नित्य नई कीर्तिमान स्थापित करेंगे। सभापति महोदय, आपसे अनुरोध है कि राजस्थान में खेलों के पाठ्यक्रम का आवश्यक रूप से हिस्सा बनाया जाना चाहिए। युवाओं को शिक्षा के साथ साथ खेल कूद की गतिविधियों को बढ़ावा देने से समाज में प्रतिभावान खिलाड़ी निकल कर आएंगे, साथ ही युवा खिलाड़ियों का प्रोत्साहित करने हेतु यथोचित पुरस्कार और सम्मान देना चाहिए। मान्यवर, खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, जिसके माध्यम से मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है, और इसलिए खेल भावना के शिक्षा के साथ विद्यार्थी युवाओं में संपुष्ट करने हेतु सरकार की भी आवश्यकता प्रयास करने चाहिए, जिससे प्रधानमंत्री जी का फिट इंडिया का सपना साकार होगा। अब महोदय जी, मैं उद्योग पे आता हूँ। उद्योग के बारे में भी हमारी स्थिति ऐसी है। अध्यक्ष जी, राजस्थान सरकार से मेरी मांग है कि हमारे क्षेत्र की परिस्थितियों को देखते हुए श्री डूंगरगढ़ में जमीन अधिग्रहण कर रिको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र काटा जाए। महोदय, श्री डूंगरगढ़ में रिको द्वारा आज से 45 वर्ष पूर्व छोटा सा औद्योगिक क्षेत्र काटा गया था, जिस समय शहर की आबादी 15,000 थी। अब हमारे शहर की आबादी लगभग 1,00,000 हो गई। अध्यक्ष महोदय, अगर श्री डूंगरगढ़ में रिको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र आवंटित होता है तो यहाँ कृषि से संबंधित बड़ी तादाद में यूनिटें लग सकती है, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ में लगभग 30,000 ट्यूबवेल है और मूंगफली की रोजाना 50,000 से 60,000 बोरी की आवक होती है, और इसके अलावा अन्य कृषि उत्पादन चना, ग्वार, मोट, सरसों आदि बहुत सी एग्रीकल्चर जो फसलें उगाती है। अध्यक्ष महोदय, श्री डूंगरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र नहीं होने के कारण यहाँ कृषि उत्पादन पास की अन्य कृषि मंडियों में बिक्रे के लिए जाता है, जिससे कारण राजस्व का बड़ा नुकसान होता है। साथ ही किसानों कृषि उत्पादन व अन्य जगह ले जाने के समय की बर्बादी के अलावा अतिरिक्त आर्थिक व्यय भी उनको उठाना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा विधानसभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ कृषि पर निर्भर क्षेत्र है और राज्य की अर्थव्यवस्था भी कृषि आधारित है। कृषि आधारित लघु उद्योग प्रदेश में रोजगार का बड़ा आधार है। अध्यक्ष महोदय, मेरी राजस्थान सरकार से मांग है कि मेरी विधानसभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ में कृषि आधारित लघु उद्योग से जुड़े कौशल विकास संबंधित योजनाओं का केंद्र स्थापित किया जाए। साथ ही कुछ आधुनिक प्रकल्पों जैसे ड्रोन प्रशिक्षण, नैनो यूरिया का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मोदी जी लेकर के आए थे, लोगों को कहा भी खेतों के अंदर नैनो यूरिया छिड़कनी चाहिए, तो उनका छिड़काव करने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए ड्रोन प्रशिक्षण द्वारा छिड़काव, लखपति दीदी जैसे कार्यक्रम है, सोलर से जुड़े प्रोजेक्ट है आदि संभावनाओं को लेकर कौशल विकास केंद्र के साथ संबंधित एनजीओ संस्थाओं पर कार्य किया जाना अपेक्षित है। साथ ही सोलर से जुड़े प्रोजेक्ट, वाहन रिपेयर आदि के कोर्स से युवाओं को प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना व्यवसाय प्रारंभ कर पाएंगे तथा इससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की स्थिति में आएंगे। अध्यक्ष महोदय, 2022 में राजस्थान सरकार के राजस्थान माइंस विभाग ने जानकारी दी कि श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लखासर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मिनरल पोटास के विपुल भंडार खोजे गए हैं। यह सतह से 500 मीटर की गहराई पर है। अध्यक्ष जी, सरकार द्वारा इस पर काम करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष जी, पोटास उपयोग का कृषि क्षेत्र में उपयोग होने वाली खाद बनाने के लिए किया जाता है। पोटास के खनन से भारत की बड़ी निर्माता कंपनियां इस क्षेत्र में कार्य कर सकेगी, जिससे क्षेत्र के विकास के साथ साथ समृद्धि भी आएगी एवं युवाओं को रोजगार अवसर प्राप्त होंगे। तो मेरा
बजा दिया माननीय खेल मंत्री महोदय से निवेदन।